आज हमारी फ्लाइट भी इंडिया की, आज हम वापस जाए तो सोचा सुबह 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 से पूल के मजे लेके चलते हैं ना। पूरा डाउन टाउन दिख रहा है यहाँ से, और ये देखो यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है इस तरह से, यहाँ से ग्लास लगे हुए हैं। ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज देखो आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अपने होटल के टॉप फ्लोर से, और स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और पीछे देखो हमारे बुर्ज खलीफा दिख रहा है पूरा। तो हम फर्स्ट टाइम हैं यहाँ पे, बिकॉज ना यहाँ पे दिन में बहुत सारे गेस्ट होते हैं तो उनके साथ में थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है वीडियो बनाना, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए। यहाँ पे सिर्फ साहिल और मैं हम, और बहुत मज़ा आ रहा है गाइज यहाँ पे। मतलब आज हमारी फ्लाइट भी इंडिया की, आज हम वापस जाए तो सोचा सुबह 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 से पूल के मजे लेके चलते हैं ना। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, अभी थोड़ी देर में गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे सारे। सुबह के 8 बज रहे भाई, कोई नहीं हमारे अलावा, हमारे अलावा कोई नहीं है। और पीछे का व्यू देखो भाई, पूरा डाउन टाउन दिख रहा है यहाँ से, और ये देखो यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है इस तरह से, यहाँ से ग्लास लगे हुए हैं, लेकिन भाई देखो कितना मस्त लग रहा है। गाइज इस तरह के स्विमिंग पूल में हमको आना था कि वहाँ से सामने पूरी बिल्डिंग दिखे इतने टॉप फ्लोर में। अभी हम 75th फ्लोर पे हैं, मतलब 75th फ्लोर पे स्विमिंग पूल। गाइज ये वाला सीन तो हम मूवीज़ में देखते थे कि भाई ऐसा भी होता होगा कि मतलब टॉप फ्लोर पे सामने बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है पूल में। तो आज वो खुद ही आ गए हम गाइज, सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। फिलहाल थोड़ी देर मस्ती करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं। 11 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना भी है। गाइज रात को तो और प्यारा लगता है यहाँ से व्यू। रात को हम आए थे यहाँ पे, मैंने शूट भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आप देखना स्क्रीन पे। तो देखो रात को कुछ ऐसा लगता है। और गाइज इस होटल में ना सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी रुकते हैं, हमको भी सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का आप लोगों की वजह से गाइज सिर्फ। तो हाँ ये मैं सोचता शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को तो गाइज जो भी है आप लोगों की वजह से। ये देखो भाई क्या तैर रहे, क्या तैर रहे, पूरा पानी नीचे फेंक दिया इसने यहाँ से, नीचे ज़्यादा पानी सूख गया। तो भी आ गए पूल से बाहर, कैसा लगा? मस्त। हम सुबह सुबह पूल में नहा के आ गए, वो भी सुबह 8:30 बज रहे हैं। तो अब जा रहे हैं अपने रूम पे, अब रूम पे जाके फिर से नहाएंगे। चलो भाई अब नहाते हैं और रेडी होते हैं सीधा ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइज नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब फिलहाल पैकिंग चल रही है इंडिया के लिए, पैकिंग करते हैं फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। गाइज ये देखो मेरे फेवरेट शूज मेरे को मिल गए यार, मैंने अभी तक डाले भी नहीं है, किसी स्पेशल इवेंट में डालूंगा। गाइज दुबई से हमने सिर्फ जूते और कपड़े लिए और कुछ नहीं लिया भाई, जूते कपड़े की शॉपिंग करने आए थे हम। चलो भाई मैं तो रेडी हूँ। गाइज अब तो बस इंडिया की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, घर की याद आ रही है, मंदिर की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इतने मंदिर नहीं है ना, तो मैं बहुत धार्मिक हूँ आपको पता होगा, तो मेरे को मंदिर की बहुत याद आ रही है। बाय द वे पूरे 7 दिन थे हम यहाँ पे, काफ़ी मजा आया, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला लोगों के बारे में, और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के यहाँ कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, यहाँ के लोग सोचते क्या, लोगों से बात की मैंने, इंडियन लोगों से बात की। तो हाँ काफ़ी मतलब अलग, काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था इंडिया की तरह नहीं से। इंडिया में तो सारे धार्मिक पॉजिटिव एकदम रहते हैं ना इंडिया में, बट यहाँ पूरा अलग है, सब कुछ ही अलग है। तो गाइज ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घूमते रहेंगे, आप लोगों को मैं घुमाता रहूँगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप कमेंट कर बताना नेक्स्ट कौन सी कंट्री जाएँ हम, मेरा प्लान है यूरोप जाने का, US जाने का, और सब जगह जाने का जहाँ भी मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, तो सब जगह कवर करेंगे, बाकी इंडिया तो कवर करेंगे साथ साथ में। तो भी आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट और सैलेड बस। तो गाइज एयरपोर्ट जाने का टाइम आ चुका है, 11 बज गए, चलते हैं। प्रणव भाई भी रेडी हो गए फाइनली, फाइनली हो गए हैं। गाइस ये गाड़ी देखो भाई कितनी खतरनाक लग रही है भाई, इंडिया में नहीं मिलती ये गाड़ी। फिलहाल सामान डालते हैं गाड़ी में सारा और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए, सारा सामान रख लिया है, सारा सामान रख लिया ना, पक्का दुबई ना छूट जाए कहीं, सारा सामान रख लिया आपने? कितना शांत एयरपोर्ट है यार, हमको जाना है फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास। तो अब इनको सारे बैग देते हैं, तुम्हारे बोर्डिंग पास मिल गया। गाइज यहाँ तो सिक्योरिटी चेक में कुछ भी चेक नहीं करा भाई, कुछ भी नहीं, जैसे इंडिया में सब कुछ निकालना पड़ता है ना, यहाँ कुछ भी चेक नहीं करना पड़ा, सीधा मशीन में गए, सीधा मतलब इमिग्रेशन भी सीधा हो गया, 10 मिनट में सब कुछ काम। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे घुसने के लिए ना कोई ID भी देखते, सीधा घुस जाओ अंदर भाई, सीधा बिना ID के। हमको हमारे कैमरे तक नहीं निकालने पड़े, कैमरे का बैग भी ऐसे ही पड़ा था, बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसे पड़े थे सारे। तो गाइज अब हम जाएंगे यहाँ से ट्रेन से, यहाँ पे एयरपोर्ट पे ट्रेन चलती है, वो ट्रेन हमको ले जाएगी हमारे प्लेन के पास। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो इंटरनल ट्रैवल करने के लिए भी ट्रेन चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन है, एयरपोर्ट की ट्रेन। सिक्योरिटी चेक में मजा आ गया भाई, कुछ भी चेक नहीं करा भाई, इवन मेरा लैपटॉप चार्जर सब कुछ मेरे बैग में पड़ा था, कुछ भी नहीं निकलवाया, कुछ भी नहीं। मेट्रो है क्या? मेट्रो है, मेट्रो जैसे। ट्रेन से निकल के आ गए, ऊपर जाना है हमको। तो यहाँ पे खाना वाना मिल रहा है तो मैंने थोड़ा सा खाना ले लिया, यहाँ पे नूडल्स और चने वगैरह। वैसे फ्लाइट में हमारा इंडियन खाना है तो वही खाएंगे, अभी थोड़ा बहुत खा रहे हैं ऐसी। गाइज हमारी दुबई में काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी, जैसे कि स्काई डाइविंग रहेगी करनी थी, बुर्ज खलीफा के ऊपर भी नहीं जा पाए बिकॉज उसकी बुकिंग, इन सबकी बुकिंग करानी पड़ती, तो वो बुकिंग हमको मिली नहीं,
तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। बंजी जंपिंग भी रह गई, बहुत सारी चीज़ें रह गई, मतलब सेवन स्टार होटल नहीं जा पाए तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब जैसे वाटर पार्क अच्छे से नहीं कर पाए, मोशन गेट अच्छे से नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आएंगे, पीयूष कुनाली के साथ में आएंगे, फैमिली के साथ में आएंगे, तब अच्छे से करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है दुबई में 7 दिन भी कम है। दुबई में 7 दिन भी कम है, क्योंकि हम अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे थे, फिर भी चीज़ें छूट गई। हाँ, हम एक दिन में तीन चीज़ें कर रहे थे भाई, फिर भी चीज़ें छूट गई। बहुत बिजी हेक्टिक था, लेकिन हमने जितना हो सका आपको दिखाया, जितना हो सका, पहला एक्सपीरियंस था बाहर का, काफ़ी गलतियाँ भी की, सीखा, नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो गाइस जा रहे हैं अब प्लेन में, हमारी सेकंड इंटरनेशनल फ्लाइट। आज तो बिजनेस क्लास में भी हमको विंडो सीट मिल गई गाइस, फाइनली। ये प्रणव भाई की, ये मेरी, और साहिल की पीछे है पिछली बार की तरह हेडफोन। तो आज देखेंगे दुबई ऊपर से कैसा दिखता है यहाँ से पूरा। गाइस अब तो बस इंडिया की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, फैमिली की याद आ रही है, सबकी। जल्दी से मिल जाए बस सबसे यार। गाइस ये वाला प्लेन देखो कितना बड़ा प्लेन है, और इसमें देखो ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब इसमें ऊपर भी लोग बैठे होंगे नीचे बैठे होंगे, डबल डेकर है ये। और देखो इसके इंजन भी देखो, दो इंजन है यहाँ पे। पहले दुबई जाने के लिए एक्साइटमेंट हो रही थी, अब इंडिया जाने के लिए एक्साइटमेंट हो रही है। उड़ने वाला है ये, उड़ा वो, देखो बुर्ज खलीफा भी दिख रही है, देखो। तो गाइस दुबई ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये कौन सा शहर आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ के पहाड़ देखो, पत्थर के पहाड़ हैं पूरे यहाँ तो, पूरे बादलों में आ गए गाइस। तो भी गाइस लंच टाइम आ चुका है, तो वेट कर रहे हैं लंच का। थैंक यू। पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तो अंधेरा हो गया भाई, हम दिन में निकले थे गाइज, अभी ना एयरपोर्ट पे ट्रैफिक हो रहा है, तो हमारा प्लेन बस दिल्ली में ऊपर घूम रहा है गाइज। पिछले आधे घंटे से हमारा प्लेन दिल्ली के ऊपर घूम रहा है, मतलब लैंड ही नहीं कर रहा। वो कह रहे कि क्या बोलते हैं, रनवे पे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स बैठी हुई हैं रनवे पे, अब दूसरे रनवे पे लैंड करा रहे हैं गाइज। इस जगह पे हम तीसरी बार आ चुके हैं, इस जगह पे तीसरी बार, अब तो मेरे को भी याद होगी ये वाली बिल्डिंग। फाइनली अब लैंड कर रहा है। टाइम क्या हो गया, 9 बजने वाले, फ्लाइट लेट हो गया। वो देखा तो आधे घंटे तो घूम रही थी वो दिल्ली के ऊपर। मैं डर गया, दो बार उसने उतारा ही नहीं। ऐसे लैंड करते ही एकदम से ऊपर, लैंड करते ही एकदम ऊपर। हाँ, तो अब चलते हैं सीधा यहाँ से होटल। गाड़ी हमारी बारी पार्क है, गाड़ी उठाते हैं अपनी फॉर्चुनर और चलते हैं होटल। आज तो हम टाइम देखो 9 बजने वाले हैं, आज दिल्ली रुकेंगे गाइस। हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये देखो मिस्टर जोशी गाइस। इंडिया पहुँच के इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे इंडियन लोगों को देख के, बिकॉज 7 दिनों से हम फॉरेनर को देख रहे थे, तो अलग ही फीलिंग थी। अब अलग ही फीलिंग आ रही है, एकदम मस्त अपनापन वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज सारे इंडियन लोग दिख रहे हैं, सारे मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं, मस्त लग रहा है, अलग ही फीलिंग होती है हमेशा ये। मतलब अब चलते हैं पार्किंग में, हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में आ गए, गाड़ी ढूंढते हैं अपनी, गाड़ी कहाँ है, यही है ना। चलो मिल गई। तो गाइस अपनी फॉर्चुनर लेके निकल गए, और बाहर तो बारिश हो रही है भाई, मस्त मौसम हो रहा है बाहर देखो, और इतना अच्छा लग रहा है ना बहुत दिनों के बाद गाड़ी चला के भाई। तो यहाँ से होटल जाने में आधा घंटा लगेगा हमको गाइस। 7 दिनों से हम दुबई में घूम रहे थे, वो भी मर्सिडीज में, लेकिन अब जो फील आ रहा है अपनी गाड़ी चला के, वो अलग ही फील है, अपनी गाड़ी का फील अपना ही होता है मस्त। दिल्ली आते ही ट्रैफिक, बट आई लव ट्रैफिक। तो गाइस होटल पहुंच गए, तो आज रात को यहाँ पे रुकेंगे हम। तो गाइस मैंने होटल आके एडिटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, और टाइम देखो भी 11:30 बज रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कल हम जाने वाले हैं फाइनली हल्द्वानी, पूरी फैमिली से मिलेंगे, कुनाली, पीयूष, ओरियो, मम्मी पापा, चाचा जी, सबसे मिलेंगे। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखो दोनों भाई कच्चे में अब जा रहे हैं 50-50 पे।